अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के। हमारी दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। क्रोशिएट्स एंड निटिंग वर्क्स में आपको एक बार फिर खुश आमदीद फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत स्टाइल से डोल ड्रेसेस की डिज़ाइन में आपको फैशन बारबी ड्रेसेस के मुख्तलिफ स्टाइल और आपको डिज़ाइनिंग और पैटर्न दिखा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत स्टाइल से हम आपके लिए बारबी फैशन के ड्रेसेस और क्लोथ्स लेकर आए हैं। खूबसूरत स्टाइलिश अंदाज में ये हैंडमेड क्रोशिएट्स वर्क में खूबसूरत आपको पैटर्न दिखा रहे हैं। इसमें कलर, डिज़ाइनिंग, स्टाइल्स और आइडियाज़ आप देख सकते हैं। वेस्टर्न स्टाइल में ये पैटर्न डिज़ाइन किए गए हैं। व्यूअर्स, अगर आप स्टिचिंग, कटिंग, नीटिंग और क्रोशेट्स वर्क सीखना चाहते हैं तो आप इन फैशन बारबी क्लोथ्स या ड्रेसेस से आपको आइडिया हो जाएगा। आप इनसे आइडिया ले सकते हैं कि आपने किस किस्म के ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग, या अगर आपने अपनी बेबीज़ के लिए फ़्रॉक या इस तरह के कोई पार्टी वेयर एक गाउन या मैक्सी ड्रेसेस या इस तरह के फ़्रॉक की डिज़ाइनिंग सीखनी है, या आप खुद इस तरह के डिज़ाइन या पैटर्न बनाना चाहते हैं तो आप इन डोल ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग या पैटर्न से आप आइडिया ले सकते हैं। इस तरह आपको कटिंग भी आ जाएगी, निटिंग वर्क और इसी तरह क्रोशेट के साथ साथ आपको स्टिचिंग भी आ जाएगी कि किस तरह आपने फैब्रिक के साथ डिज़ाइनिंग करनी है। इस तरह इस निटिंग वर्क में आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि आपने ब्लाउज़ के स्टाइल किस अंदाज में बनाने हैं। बहुत ही खूबसूरत स्टाइल से हम आपको ब्लाउज़, ट्राउज़र और इसी तरह इसमें मुख्तलिफ वर्क आपको दिखा रहे हैं। आपको इसमें काफ़ी दिलचस्पी होगी। अगर आपने फ़्रॉक की डिज़ाइनिंग करनी है अपने बेबी के लिए तो आप इस तरह मुख्तलिफ कलर कंट्रास्ट और मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग के साथ आप सीख सकते हैं ब्लाउज़ की डिज़ाइनिंग, और इस तरह स्कर्ट्स के साथ या ए लाइन मैक्सी फ्रॉक या अम्ब्रेला फ्रॉक किस अंदाज में डिज़ाइन करवाना है तो आप इस तरह इन तमाम पैटर्न से आपको आइडिया हो जाएगा। कलर कंट्रास्ट और इस तरह की डिज़ाइनिंग, और इसमें अगर आपने इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वर्क भी करना है तो आप किस कलर और स्टाइल के साथ इन पर एम्ब्रॉयडरी वर्क करें, ये तमाम डिज़ाइन और स्टाइल से आपको आइडिया हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि फुल ड्रेसेस भी हम आपको दिखाते हैं, जिसमें आप हेड बैंड, शूज़, बेबी बूटीज और इसी तरह इसमें आप देख सकते हैं कैप और हेड बैंड के साथ साथ आप इसमें पर्स की डिज़ाइन भी, हैंड बैग के स्टाइल भी देख सकते हैं। फ्रॉक में आप देख सकते हैं मुख्तलिफ पैच वर्क और इस तरह डिज़ाइनिंग, और लेट स्टाइल में भी डिज़ाइनिंग होती है, और इस तरह गाउन और मैक्सी ड्रेसेस भी आप देख सकते हैं। और इनमें कुछ में आप देख सकते हैं वूल फैब्रिक इस्तेमाल किया जाता है, और किसी में आप देख सकते हैं टसल फैब्रिक के साथ भी डिज़ाइन और पैटर्न बनाए जाते हैं। इसी तरह इन ड्रेसेस के साथ आप देख सकते हैं कैपलेट स्टाइल में डिज़ाइन, और इस तरह पोंचू शाल, और आप देख सकते हैं इसमें फ्रॉक की डिज़ाइन के साथ साथ हेड के डिज़ाइन, और इसमें आप देख सकते हैं फ्रॉक पर किस तरह डिज़ाइनिंग करनी है, इन पर फ्लावर्स, एप्लक वर्क और इस तरह रिबन वर्क के साथ साथ इनकी नेक लाइन आप देख सकते हैं किस स्टाइल में बनाए जाते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश सा हॉबी है। अगर आपने भी इस तरह डोल ड्रेसेस डिज़ाइन करने सीख लिए तो आपको कटिंग, स्टिचिंग और निटिंग वर्क आ जाएगा। और व्यूअर्स, इसमें आप देख सकते हैं ब्लाउज़ की शेप और इसी तरह इसमें गाउन, जैकेट स्टाइल, मुख्तलिफ पैटर्न हम आपको दिखाते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज के ये तमाम स्टाइल डिज़ाइनिंग डोल ड्रेसेस में ये तमाम फैंसी से ड्रेसेस के आइडियाज़ आपको अच्छे लगेंगे। और अगर आपने इसी तरह अपने बेबी के लिए कोई फ्रॉक बनाना है या आपने डोल ड्रेसेस ही डिज़ाइन करने हैं तो इन तमाम ड्रेसेस के डिज़ाइन से आपको आइडिया मिल जाएगा। और आप इस तरह निटिंग वर्क या आपने स्टिचिंग करनी है तो आप फैब्रिक से भी इस तरह के ड्रेसेस के डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं हम आपको फुल ड्रेस दिखा रहे हैं, जिसमें गाउन है, मैक्सी है, ब्लाउज शर्ट्स हैं, इसी तरह इसमें कॉर्डिगन के स्टाइल हैं, हैट और हेड बैंड, और इस तरह मुख्तलिफ स्टाइल में हम आपको स्कर्ट्स और ब्लाउज़ की डिज़ाइन भी दिखा रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज के तमाम स्टाइल डिज़ाइनिंग और आइडियाज़ अच्छे लगेंगे, और इनसे आप आइडिया लेकर इस तरह का ड्रेस डिज़ाइन कर सकते हैं। और व्यूअर्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें, और आप इसी तरह हमारे चैनल को विज़िट करते रहें। हमें दें इजाज़त।